आगे बढ़ते हैं, कुशीनगर से खबर है जहां बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी सपा पर हमलावर हुए। शलभ मणि त्रिपाठी ने बोला, सपा जब जब सत्ता में आती है अराजकता फैलाती है। इस बार यूपी में कुछ सीटें जीते तो हालात देखिए। कन्नौज में सपा का नेता नाबालिग के साथ बलात्कार करता है। अयोध्या में दलित युवती के साथ गैंगरेप में सपा के बड़े नेता का नाम आता है। कुशीनगर में सपा का नेता जाली नोटों का व्यापार करता है। कुशीनगर में भ्रमण पर आए थे देवरिया से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, जिस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिली, उसके बाद से आप जरा उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा जो घटनाएं अंजाम दी जा रही उनको देखिए, किस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है। कन्नौज चलिए, वहाँ समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह यादव एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसके बाद जब कार्रवाई की मांग होती है, बच्ची खुद वीडियो बनाती है, उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी होती है कि वो वीडियो बनाती है और जब कार्रवाई की बात होती है बच्ची की तरफ से, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, पहले डीएनए टेस्ट करें।